उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक और अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा बरकरार है। इस वक्त की अहम अपडेट, समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना रखी है पूर्वांचल में। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पर पूर्वांचल में। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अभी तक 140 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बड़ी अपडेट है, पूर्वांचल में सपा 140 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर आगे है या फिर जीत दर्ज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी एक तरफा आगे दिखाई दे रही है पूर्वांचल की सीटों पर। बसपा ने 33 और कांग्रेस ने भी 6 सीटें यहां पर जीती हैं। हालांकि पंचायत चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है और रुझान और नतीजे आने का सिलसिला देर रात तक चलेगा, लेकिन पूर्वांचल से अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें सपा का दबदबा बरकरार दिखाई दे रहा है। अलग अलग जिलों में सपा और भाजपा के बीच रोचक लड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो 200 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो पूर्वांचल में अधिकतर जिलों में समाजवादी पार्टी अपना कब्जा बरकरार रख सकती है। इस वक्त ये पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई अहम अपडेट।